सोनेहाल सत श्री अकाल। हमारा ये साग है चाइनीज सरसों, बड़े पत्ते वाला चाइनीज सरसों जी। और ये हमारा है गार्लिक है साथ में, हमारा सारे हैं पालक वगैरह, धनिया, मेथी, सारे क्रॉप्स हैं। ये चुकंदर है, बीट रूट, जब भी आप सरसों के खेत देखते हैं लहराते हुए पंजाब में, तो वही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद आती है। और जो गाना था कौन सा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, वही गाना था ना? हाँ, लकड़ी के चूल्हे पे आलू मेथी बन रही है, और जो मेथी है यही फार्म से ही तोड़ी गई है और इसको पकाई जा रही है। ये सर्दियों की सब्जी है, ये पालक सरसों का साग है, और ये पीतल के हांडी में पकाया जा रहा है। इसमें क्या क्या है? धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज। बिल्कुल, इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, प्याज, थोड़ी सी लहसुन की तुरियां, और सब कुछ इसी यही खेत से, सब कुछ इसी खेत से, बिल्कुल सब इसी खेत से निकला है। और इसी खेत से निकल के आज हमारे लिए बस यही कि जो नमक है वो आपका उस बॉर्डर पार से आया है, बॉर्डर पार से पाकिस्तान से नमक लाके खा रहे हैं। अब दो देशों को मिला के एक सांझ भी तो करनी चाहिए ना। जी जी, तो वो आज हमारे खाने में सांझ भी हो गई इसकी। बिल्कुल, कमाल कर दी सर आपने तो, कमाल कर दी, बिल्कुल बिल्कुल। चटनी हो चुकी है तैयार, अब अपनी इधर अपना वो साग भी तैयार है, आलू मेथी भी तैयार है। आप मुझे कच्ची शलजम खिलाने वाले थे, कच्ची शलजम आपको ये रही पीछे। अरे आ गई चटनी, सा खानी है, ऐसे ही खा लें चटनी, ऐसे खा लो, चटनी का तो और टेस्ट है। दिस गुड है ना, मीठी है, अभी तोड़कर फ्रेश फ्रॉम द फार्म, वाह मीठी है। ये क्लच है, क्लच कहाँ है? ये क्लच है, वो ब्रेक है, बड़ा टाइट, इतना ही होता है क्लच, और दबाना पड़ेगा। ये एक्सीलेटर है, वो ब्रेक है, एक्सीलेटर ऊपर नीचे साइड पर। कहाँ एक्सीलेटर? नीचे, ये नीचे, नीचे कहाँ है? ये जो है, अच्छा ये, हाँ, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है। हाँ। थैंक यू जी, आपने ट्रैक्टर चलाने दिया, एक सपना भी पूरा हो गया। हैवी चलाने, गाड़ी चला देते हैं, वो चला लेते हैं, ये तो धीरे धीरे चलाने से आदत पड़ जाती है ना।
तो ये पंजाब का असल जायका है। और जब भी पंजाबी खाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही डिश आती है, साग, मक्के की रोटी, आलू मेथी की सब्ज़ी, विंटर स्पेशलिटी रायता, चावल, साथ में गोभी, गाजर और शलगम का अचार, ये भी टिपिकल पंजाबी अचार है। बिल्कुल है। और साथ में ये क्या है? ये गुड़ का, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स। अपने ऑर्गेनिक फार्म का साग है जिसके अंदर हमने बातू, पालक और साग को मिला के इसको तैयार किया गया है। फिर उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का छौंक दिया गया है। इट्स रियली अमेजिंग। सही है ना? बहुत शानदार। इसके साथ में मतलब लाइक इसका टेस्ट आ रहा है कि जो ताज़ा गोभी, गाजर और शलगम को अदरक लहसुन के मसाले में भून के एंड फिर उसमें अचार को तैयार किया जाता है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका, गुड़ और राई पिसी हुई डालते हैं और मसालों, मस्टर्ड ऑयल के अंदर इसको भुना जाता है। और उसके अंदर जो मसाले डाले जाते हैं लाइक वो लाल मिर्च, देगी मिर्च और सेंधा नमक और हमारा कह दें कि सौंफ, मेथी दाना पिसा हुआ, उसके साथ में भून के फिर गोभी, गाजर, शलगम को धो के प्रॉपर सुखाया जाता है और फिर इसको तैयार किया जाता है। अब मुझे लगता है कि पंजाब में अगर खाना खाया जाए और गोभी, गाजर का अचार ना हो तो एक खाना इनकम्प्लीट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ के दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है कि मक्खन हो खूब सारा, लस्सी का ग्लास हो और परांठों के ऊपर मक्खन के साथ में गोभी, गाजर, शलगम का अचार। ये आपको यहाँ की जो हमने यहाँ पे पीला मक्का की रोटी खाई है ना, तो उसी तरह से ये सफ़ेद मक्की भी यहाँ के फार्म हाउस में पैदा की जाती है और कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो लोग प्रेफर करते हैं। जितने आज हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो गए हैं उनको लगता है कि अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाया जाए, ना कि टेस्ट के लिए खाया जाए। तो पंजाब में रहते हुए हेल्थ को मेंटेन रखना देखा जाए तो नामुमकिन है। ऐसा नहीं है, मतलब ये देखिए पूरा देसी खाना है, शुद्ध खाना है, शुद्ध खाना है। और जो हम जब कह रहे हैं किसानों के लिए, तो ये तो मतलब आप कहें कि इतना खाने के बाद मेहनत करना तो उनके लिए मक्खन घी मैटर नहीं करता। जो लोग शहरी लोग हैं, जो अपने डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, उनके लिए एक हो जाता है कि ये मक्खन और घी खा रहे हैं। लेकिन जो खेतों पे काम कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर हम अपने पुराने जमाने में जाएं, अपने दादी बाबा के जमाने में जाते हैं, तो वो आजकल की तरह फास्ट फूड की तरफ नहीं होते थे। वो यही मक्खन और घी खा के अपनी बोन्स के लिए, जो कहते हैं कि बेनिफिट्स, बोन्स की बेनिफिट। अभी जितने नए साइंटिस्ट हैं, जितने हेल्थ डाइटिशियंस हैं, वो यही कहते हैं कि घी खाओ, मक्खन खाओ और सरसों का तेल खाओ तो आपकी बॉडी को। बट उसमें वो कहते हैं जब घी मक्खन खाओ तो उनका मतलब ये होता है कि मक्खन ये वाला खाओ, जो नमक वाला मक्खन होता है वो नहीं खाओ। अमेजिंग, उम्दा। आपके शब्द कोश में से हमने कुछ शब्द चुरा लिए। नहीं, बहुत बढ़िया है, सही में वाकई उम्दा है। मतलब मुझे तो खुद पर्सनली, मतलब मैं भी पंजाबी हूँ, तो आलू मेथी, मेथी के परोठे विंटर खाते ही, बिल्कुल अंदर गाजर का अचार, क्रेविंग आनी शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। गाजर का हलवा हो साथ में मीठे के अंदर, गजरेला। एग्जैक्टली। अब ये गुड़ और ड्राई फ्रूट्स चले हुए, सौंफ, काली मिर्च, ड्राई फ्रूट्स। ये अच्छा है, खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो हमने घर पे बर्फियाँ रखी इसकी और खाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मक्का की रोटी, सरसों का साग, उसके बाद तो एंड में खाना बनता है, तभी जाके पूरा कोर्स कम्प्लीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चावल देख के मुझे याद आ रहा है, अब तो आपके पंजाब में चावल और गेहूँ दोनों की फसल बहुत होती है, और इतना फर्टाइल लैंड है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, उसी कारण से यहाँ पे खेती होती है। और पंजाब को तो बोलते भी हैं अन्नदाता, अन्नभूमि है। और इसका नाम भी पंजाब, पांच दरिया, मतलब पानी। जी जी जी, पांच दरियाओं को मिला के जब कहा जाता था तो पंजाब क्या है, ब्यास, रवि, सतलज और चिनाब, झेलम, इन पांच नदियों के नाम से बना है पंजाब, जिसमें से दो नदियां पाकिस्तान में चली गई हैं।
और एक नदी मेरे ख्याल में आधी पंजाब में है। हाँ, दो इधर हैं और एक जो है वो डिवाइड कर दी है, रावी है। वेस्ट पंजाब और अपना इंडिया का ईस्ट पंजाब। पंजाब में लोहड़ी पे बहुत सारी मीठी चीज़ें बनती हैं ना, तो दिस मसाला गुड़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एवरीबडी हैज़ मसाला गुड़ एट होम इन विंटर्स। तो हम थोड़ा सा घी ले रहे हैं और सबसे पहले हम इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट को थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं लाइक दिस। इसको ज़्यादा नहीं करेंगे रोस्ट, बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसमें मैंने बादाम लिया है और वॉलनट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सो रोस्ट करने के बाद हम इसको इसमें निकालेंगे। ये लगता है मुझे पम्पकिन सीड्स न्यू एडिशन है। आई थिंक इट्स डन। आजकल लोग खा रहे हैं लेटेस्ट सीड्स, एवरीबॉडी इज हैविंग सीड्स, यू नो। तो पम्पकिन सीड्स, कोई भी सीड्स, मेनी काइंड्स आर देयर नाउ। We should not be burning it and it's done almost, right? अब इसके बाद हमने इस गुड़ को लिया है। ये गुड़ मेरे पास ऑर्गेनिक गुड़ था घर में, सो वी हैव दिस गुड़ एंड यू कैन ग्रेट इट और यू कैन जस्ट ब्रेक इट और क्रश इट, राइट? सो वी विल पुट दिस गुड़ इन द कढ़ाई एंड विल ट्राई एंड मेल्ट इट। ज़्यादा स्लो करेंगे तो भी मेल्ट नहीं होगा और ज़्यादा अगर तेज़ होगा तो उसका थोड़ा सा जलने का डर रहता है। सो वी हैव टू पुट द फायर ऑन मीडियम। इट्स ऑलमोस्ट डन। आई थिंक हम इसको बंद भी कर सकते हैं बिकॉज ये जलना नहीं चाहिए, फिर ये बहुत कड़क हो जाएगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन, राइट? Then I'm putting this ginger powder, which is called sondh in Punjab. I'm putting some black salt. And then I have this cumin and fennel seeds roasted already. Sonf and jeera. Dry fruits. Dry fruits, which we roasted. I think that crunch should be enough. And this is... Makhana. Makhana. We'll crush it a little. Because the pieces are like it shouldn't be that big. थोड़ा सा ऐसे करके. Now because I've put black salt in it, इसका थोड़ा वो salted caramelized हो गया ना, this gold है ना? So it's done. It's done. That's it. If we switch on the heat now, it'll be a little more melted and we'll be able to set it. I mean according to the shape that we want. Otherwise it's good like this also. तो सर्दियों में तो आपके पंजाब में काफी चीजें गुड़ की बनाई जाती हैं। गुड़ की पिन्नी, गुड़ का लड्डू, चिक्की, हलवा। Then गुड़ का हलवा is the most famous in Punjab. गुड़ की परांठी, शक्कर की परांठी, गुड़ की परांठी। बहुत ही शानदार बना है। जो एक सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर होता है वो है इसमें, बीच बीच में अजवाइन, जीरा, सौंफ का जायका और क्रंची भी। मैंने तो नहीं ली। मैं तो धूम्रपान करता ही नहीं, पान कर लेता हूँ, धूम्रपान नहीं। पंजाब में आके पान दीपक जी करवाएंगे। हाँ नहीं, पान खाया मैंने कल जी। अब क्या बना रहे हैं? अलसी के लड्डू। हमारे यहाँ के मोस्ट फेमस अलसी के लड्डू बनने के लिए जा रहे हैं और ये रेसिपी जो है आपके इस बुक में है। बिल्कुल, ये हमारी फुलकारी कुक बुक के अंदर रेसिपी है, आप देख सकते हैं।
होम फूड ट्रायल्स, होम फूड ट्रायल्स जो कि हमारी फुलकारी की होम कुक हमारी फुलकारी की ही वुमेन्स ने अपनी अपनी रेसिपीज को, घर की रेसिपीज को शेयर किया और उनको इस बुक में पेश किया गया और उसको छपके ही तैयार हुई है। और आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सर्वाइव कर चुकी है ये बुक हमारी, पाकिस्तान भी गई है, बिल्कुल यूके भी गई है, बहुत जगह पूरे वर्ल्ड में। हमारे पास घी में हमने गोंद डाला, गोंद को डाला गया है, गोंद सिकने में कच्चा रह जाए तो वो आपके दांत में खाते वक्त चिपकेगा, तो गोंद को पूरा क्रिस्प करने के लिए उसको खुले घी के अंदर अच्छे से फुलाया जाता है। ये ऑलमोस्ट तैयार है हमारे पास में और हम इसको घी से बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारे पास में अलसी है जिसको हमने पहले से रोस्ट करके ग्राइंड किया है। ये आटा है, आप जिस मर्जी तरह का आटा, अगर आपको वीट एलर्जी है तो आप दूसरी तरह के भी आटे इसमें यूज़ कर सकते हैं, बारले का, ज्वार का, बाजरे का, आटा कोई भी फॉर्म में हो, जो अलसी है वो अपना फ्लेवर नहीं छोड़ेगी, वो उस अलसी को अपना फ्लेवर उसमें देना ही पड़ेगा। एक अलग सी टेंडेंसी होती है अलसी के अंदर और कहते हैं कि उतना ही कैल्शियम और आयरन रिच मतलब हेल्दी होती है, तो मुझे लगता है कि ड्राई फ्रूट्स, अलसी और गोंद और घी का मिक्सचर जब बॉडी को मिलेगा तो जो हम विटामिन डी और वो सब टैबलेट्स खाते हैं ना उनको बाय बाय हो जाएंगे। मैं थोड़ा आंच से ऊपर कर रही हूँ ताकि जले नहीं। एग्जैक्टली, घी उतना डालना चाहिए कि आपका आटा उसमें डूब जाए। अब हमने गोंद सेक लिया तो घी की मात्रा इसमें कम लग रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और घी डाल लें। कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो कम डालते हैं, बिल्कुल ही पंजाब में आटे की पिन्नी और बिना घी के, पंजाब में कोई घी कॉन्शियस नहीं होता, नहीं हो सकता। ये देखिए, आटा एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम जितना घी डालें पी जाएगा, वो उतना ही उसको पीता जाएगा। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल मीठी मीठी खुशबू, भीनी भीनी सी लगती है इसकी। गेहूं अपनी खुशबू छोड़ता है। When it starts to get rosy, yeah, when it's almost done, then you get that smell. अमृतसर में, अमृतसर बहुत फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए। यहाँ पर आपने भी खाया होएगा द पूड़ी, द कुलचा, द टिक्के, एवरीथिंग। लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल या खाने के लिए आते हैं, बट जो एक्चुअल रियल हिडन ट्रेजर्स हैं दोज आर इन द होम्स ऑफ द पीपल, डन बाय द लेडीज ऑफ द हाउस, जो कि नानी दादी की रेसिपीज जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। हर फैमिली सीक्रेटिव है कि हमने अपनी रेसिपी नहीं बतानी, बट लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, सब लोग अर्बनाइज हो रहे हैं, पीपल आर मूविंग अवे, यंगर जनरेशन इतनी होम कुकिंग नहीं करती है, सो मेनी ऑफ दीज रेसिपीज आर गोइंग टू गेट लॉस्ट। सो दिस बुक वॉज डन विद दैट इंटेंट कि बिफोर ये सारा खत्म हो जाए, रेसिपीज जो इतनी पुरानी घरों में चली आ रही हैं वो खत्म हो जाए, तो लेट्स कैप्चर दैम। सो विद दैट इंटेंट वी रीच आउट टू आर मेम्बर्स कि जो आपकी घर की फेमस रेसिपीज है वो हमारे को दो। बहुत सारी रेसिपीज आई, फिर हमारे साथ मिस रूबी बत्रा थी। रूबी बत्रा, मे वी हैव यू हियर। सारी रेसिपीज इनके पास आई, ये और एक तो और मेंबर्स ने दे ट्राइड द रेसिपीज 2-3 times, जिनमें कमी पेशी थी वो उनसे उन्होंने ठीक करवाई। एंड व्हाट यू सी हियर इज फुल प्रूफ रेसिपीज फ्रॉम द होम्स ऑफ द लेडीज। फुलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर फॉर्म हुई थी अगस्त 2017 में। हाल ही में हमने अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है वर्षगांठ, एंड 400 के करीब मेंबर्स हैं। तो सबसे यूनिक बात है हमारे यहाँ पे अलग रीजन से हैं मेंबर्स, कोई बॉम्बे से आए हैं, कोई अहमदाबाद के हैं, कोई साउथ से आए हैं, चेन्नई से, बैंगलोर से और हैदराबाद से हैं लेडीज़। तो जब वो सारे डिफरेंट रीजन से आते हैं वो अपना कल्चर और फूड साथ में लेकर आते हैं। तो हमारे इसमें आपको रेसिपीज भिन्न भिन्न मिलेंगी, शाकाहारी भी, मांसाहारी भी मिलेंगी, एंड हर एक का अलग। जैसे इसमें आई थिंक पंजाब है तो ज़्यादा मांसाहारी, एंड बिरयानी ही हमारे पास आई थिंक दो तरह की बिरयानी की रेसिपीज हैं इसमें। सो हमारे पास मारवाड़ी खाना है, साउथ इंडियन है, अच्छा ये नॉट पंजाबी। सो हमने इसको 3 chapters में डिवाइड किया, पंजाबी बाय हार्ट, देन द इंडियन ओडिसी विच इज वेमेन हुआ फ्रॉम, जैसे ये बैंगलोर से इसने अपनी रेसिपी दी, प्रियंका राजस्थान से उसने कचौड़ी की रेसिपी दी, जो लेडी बंगाल से है उसने बंगाली फिश की थी, एंड देन वी हैव द इंटरनेशनल रेसिपी। अच्छा ये पूरे टिपिकल पंजाबी पंजाबी बाय हार्ट, जैसे कड़ी मीट है
दो टिपिकल अमृतसर की चीजें, कड़ी, बेसन वाली कड़ी और मीट, उनको दोनों को कंबाइन करके कड़ी मीट बनता है यहाँ पे। ये कहाँ खाने को मिलेगा? ये घर में मिलेगा, हम आपके लिए अरेंज करेंगे। ये सारी चीजें आपको बाजार में नहीं मिलेंगी। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बिफोर ईच रेसिपी वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ, जो जिस लेडी ने रेसिपी शेयर की है कि ये रेसिपी उसके लिए क्यों रेलेवेंट, किसी की है कि ये मेरी मदर की रेसिपी है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर। लाइक द वन आई हैव डन इज आई मेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बनाया था आपने? आई हैव मेड अ चिकन बट बिफोर माय मैरिज आई हैडन एंटर्ड द किचन। बादाम दही चिकन, या सो आई डिड दैट एंड दैट वाज द फर्स्ट डिश आई मेड आफ्टर माय मैरिज। सबसे अच्छा काम तो इनका था ट्राई करने का। नहीं, सबसे अच्छा काम हमारा था क्योंकि ये बनाते थे, हम खाते थे। अच्छा, हमारा काम। ये नेक्स्ट इसका पार्ट टू कब आ रहा है? बहुत जल्दी। मैं हमें वही कह रहा हूँ, पार्ट टू बिल्कुल। इसी बुक के अंदर एक मैंगो और गुलाब का लड्डू है, मतलब ताजा गुलाब के फूलों को उनका पेस्ट करके तैयार, मैं वो मुठरी बनाती थी आटे की और उसको फ्राई करके उसका फिर चूरमा बनाया जाता था और उसके लड्डू बनते थे, जो इस बुक के अंदर है, आप जरूर देखिएगा। बुक के अंदर में बाहर का है। थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप लोग ही देखा जाए तो अमृतसर के खाने के धरोहर है ये अलसी। हमने अलसी इसमें डाल दी, तकरीबन जितना हमने आटा लिया था उससे आधी मात्रा में हमने इसमें अलसी डाल दी है। अलसी पहले से ही रोस्ट है तो उसको हमें उतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक अलसी डालते ही उसने अपना कलर बदल दिया है और खुशबू भी, खुशबू भी जो अलसी में जो ऑयल होता है ना उसकी खुशबू आती है, अलग होती है। जो जितना हमने ड्राई फ्रूट यहाँ पे रखा था तो इसको ऑलमोस्ट हम इसमें डालेंगे ताकि वो भी थोड़ा सा जो कड़कपन है ना वो इसके अंदर आ जाए। इलायची को भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि इसका, अभी हमारे पास काली मिर्च नहीं है, थोड़ी सी दाने, मोटी इलायची डाली है? नहीं नहीं, छोटी इलायची। अच्छा, छोटी इलायची के दाने, केसर भी अपनी खुशबू देता है। गैस को हमने बंद कर दिया है, इसको थोड़े से 10 से 15 मिनट हम ठंडा होने देंगे क्योंकि बिना ठंडा हुए ये उसको एक कड़कपन में कर देगा और बाइंड नहीं होगा। इसको लड्डू का शेप देंगे जैसे पंजीरी की तरह ऐसे रहेगा ये? सर, इसको लड्डू का शेप देंगे तो गोंद को थोड़ा बिठाना पड़ेगा हमें, लाइक हाथ से तोड़ के गोंद को फेंसना पड़ेगा। गोंद बड़े आराम से फिस जाता है, उसको हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे गोंद फिस जाएगा, फिर उसमें चीनी मिलाएंगे तो वो लड्डू का शेप में आ जाएगा। और अगर खुली पंजीरी खाएंगे तो फिर गोंद साबुत अच्छा लगता है कुरकुरे खाने के अंदर। अब इसमें गुड़ डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। पंजाबी कहता है कि मेरा दिल भी वड्डा, मेरा पेट भी वड्डा, तो मेरा गेट भी वड्डा, मतलब दिल से हम दिलेर हैं, पेट मतलब बड़े होने से मतलब कि हमारे खाने के अंदर इतना पाचन है कि हम जो कुछ खाते हैं यहाँ की मिट्टी और पानी हवा वायु पचा देता है, और गेट वड्डा कि जो भी आए, जी आया ना जी आ जाओ, सारियां दा वेलकम इत्थे। सर्दियों की सौगात है, बिल्कुल पंजाब का स्पेशल अलसी पंजीरी। आप भी लीजिए टीना जी। यम यम, मजा आया, स्वादिष्ट, मजा आ गया, मतलब हम पूरे नंबर से पास हो गए। बहुत सही लग रहा है, गोंद बीच बीच में जो क्रंच आ रहा है उसका बहुत शानदार है, मीठा भी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत सही लग रहा है। वो मैंने डाला था ना। इसलिए बराबर है। I think winters सर्दियों के लिए घी बहुत फायदेमंद है, so this is a complete recipe सर्दियों के लिए, बहुत सही है। Thank you। सर आप ये बात करें, सर हमारे HOD है पुरुषोत्तम सर, होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। थैंक यू, थैंक यू।